वेलकम बैक टू माय चैनल पर भी सोनी ब्लॉग। ऐसे ही आप सभी आई होप करती हूँ बहुत मस्त होंगे। तो काफी टाइम के बाद मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, सो बीच में आप सभी को मैं बता दूं कि मेरी छोटी वाली दादी का डेट हो गया है, तो मैं ब्लॉग व्लॉग कुछ बना नहीं रही थी और मैंने शॉर्ट डाल दिया कि आप लोग ऐसे पता चल जाए कि मेरे घर में चल क्या रहा है। सो मेरी दादी का डेट हो गया, तो उसके बीच में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई, कोई भी शूट वूट कुछ भी नहीं क्यों, बस मतलब ऐसे 10 दिन तो बीत गया, कल था 10वां। और मैं मुझे पता नहीं ब्लॉग ना बनाने का मन ही नहीं कर रहा, बट मैं शॉर्ट बना के ऐसे डाल दे रही थी, वैसे मतलब शॉर्ट को रिकॉर्ड में कर लेती थी। तो बस अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, घर के लिए कुछ ऐसे सामान लेना है। और कल है 12वां दिन है, जैसे कि बड़का काम जो होता है लास्ट, बड़ा सा भोज चलने वाला है, तो वही है। तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ ये वाला थोड़ा सा ब्लॉग शेयर कर देते कि कल क्या क्या होने वाला है। सो पहले अभी मार्केट चलते, उसके बाद बताते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये लोग हमारे घर जा रही है और हम लोग जा रहे हैं मॉल। ये लोग बोल रही है कि तुम लोग भी चलो घर, हम लोग बोले कि नहीं जाएंगे हम लोग घर, तुम लोग चलो हमारे साथ मॉल। फिर ये लोग बोले कि नहीं, तो चलते मॉल चलते हैं, मॉल वॉल चलते हैं। हाँ हेलो बोल दीजिए हमारे ब्लॉग में, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं हम लोग, छठ के बाद आ रहे हैं। और वो लोग मिल गए रास्ते में, वो लोग हमारे घर जा रही थी, लोगों ने बोला कि चलो, और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ 1 घंटा में हम लोग तुरंत आ जाएंगे कुछ काम है। उसके बाद बाबू पहुँच गए, हम वेदू के साथ पहुँच गए। ये है हमारी छोटी सी वेदू, क्यूट सी। हाँ मेरा हाथ में दर्द हो गया, पकड़ तू। लाइट कट गया, जा जा। गाइस लाइट कट गया, हम लोग सिर्फ ट्राउजर खरीद रहे हैं गाइस, क्योंकि बहुत ठंडा के लिए विंटर्स आ गया ना, तो बहुत ज्यादा भी जरूरी पड़ रहा है हम लोगों को। और ये हमारी भाभी थक चुकी हैं, भाभी मॉल में नहीं आए थे, तो हम लोग चलेंगे घूमा लेते हैं। बेचारी ऐसे कहते बस रेडी होकर बैठी थी घर में, तो हम लोग चलेंगे घुमा देते हैं, इनका रेडी होना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ अब हम लोग कहाँ जाना, आप चलते हैं गाइस, चलो देखो। सही है, एक हम लोग से बच्चा नहीं संभाल पा रहा हो रहा है गाइस, इसको देखो बकेट मिल गई है। हाय रे बच्चा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, हम लोग स्वेटर पहन कर आ गए, बैठा दिए क्योंकि ये इधर उधर भागे ना ज्यादातर। हाय शिहाय, ज्यादा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है। हेलो बोल दो, बच्चा बहुत बदमाश है गाइस, जितना देखने में क्यूट है ना उतनी बदमाश है। और एक तो ऐसे मॉल में इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है ना, क्या बताया, एक तो एकदम पूरा मॉल हीट कर रहा है, अच्छा लग रहा है बाहर चल जाए, ठंडा ही अच्छा लग रहा है। सो ट्राउजर ट्राई कर ली और हम लोग ट्राउजर लेने आए। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ट्राउजर लेने आए, बिकॉज इसका रीज़न बताएगा क्यों लेने आया और इतने क्यों इमरजेंसी पड़ गया, तो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। पहले आपके लिए इतना है, इतना सारा नहीं है, इसमें से कुछ कुछ, इसमें से कुछ कुछ हम लोग ट्राई किए हैं, कुछ कुछ को हटाना है। तो बस चलते हैं, यही था जब हमारा शॉपिंग, कल क्या होता है सारे ब्लॉग में आप लोगों को कंटिन्यू रहना। और हम लोग शॉपिंग इसलिए करने आए हैं क्योंकि ऐसे कल 13वां, हाँ तो कल 12वां है, मतलब बड़का काम है, तो इसलिए ना कल के दिन नया पहना जाता है जैसा मम्मी बोली है। तो हम लोग सोचे चलो एक ट्राउजर वगैरह ले लेते हैं सिर्फ नया पहनने के लिए, वरना हम लोग ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं रहेगी, हम लोग शॉपिंग करने हैं, शिपिंग निभाना है, तो वही करना है। तो बस हम लोग आ गए मॉल में और लेते हैं, एक दो ट्राउजर लेंगे और बस चले जाएंगे। तो माई चैनल, तो कल से ब्लॉग चल रहा है, आज भी चल ही रहा है, तो सुबह सुबह हम लोग नहा धोकर रेडी हो गए और मेरे छोटे छोटे से सब्सक्राइबर आए हैं जो मेरी घर के हैं, जो बोले कि जो बोले कि बुआ आप लोग ना हमको ले लो ब्लॉग में, चलो तुम्हारे यूट्यूब पे दिखोगे, ठीक है ठीक है। तो ये लोग बोले बुआ हमको भी ले लो, तो कुछ बोलना है तो गाइज अभी श्रद्धांजलि की चल रहा है एंड यहाँ सब लोग बैठे हैं, हमारे रेडी हो चुका है गाइज, अशोक चाची आ गई, देख रही है कितना सुंदर लग रही है, हंसी है।
सो गाइज, यहाँ पे सेजे दान की जो पूजा थी वो स्टार्ट हो चुका था। तो जिनकी मृत्यु होती है आज के दिन हम लोग जितना दान करेंगे पंडित जी को, उनको वो सारी चीज मिल जाते हैं। बर्तन, कपड़ा, फल, सब्जी वगैरह जितना चीज हम लोग दान करते हैं वो सारी चीज उनको मिल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आके यहाँ पे दादी को श्रद्धांजलि देती हूँ और उनका आशीर्वाद लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा हंस देती हूँ क्योंकि सब लोग बोलते हैं इतना फुल मत डालो, सबको डालना है पारा, पर इसी बात पर मुझे हंसी आ जाता है। बट गाइज, ये वाला टाइम काफी ज्यादा इमोशनल था, सब लोग काफी ज्यादा रो रहा था, मतलब दादी की पांच पांच बेटिया सब लोग काफी ज्यादा रो रहा था। और गाइज, ये रोने वाली बात थी क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं रही। बट बस एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि वो काफी ज्यादा तकलीफ में थी, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उनको कुछ ऐसे रोग हो गया था इनके चलते, तो वो काफी ज्यादा तकलीफ में थे। और सब लोग मना रहा था कि नहीं उनकी मृत्यु अच्छे से हो जाए, वो भी अच्छे दिन हुए हैं, तो बस वो डायरेक्ट स्वर्ग में ही गए। इस चीज को लेकर हम लोग को काफी ज्यादा खुशी थी। तो बस आप सब मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो। सब बच्चा सर हम पूछने वाले कि मेरा वीडियो कैसा लगता है यूट्यूब पे, बोलो क्या बोलो। हाँ, हमको मेरा वीडियो कैसा लगता है तुमको? फैमिली आ गया है, हेलो, पूरे 10 दिन के बाद आज हम लोग थोड़ा सा रेडी हो रहा है, सुकून मिल रहा है, देख रहे हो। और हम बना रहे चाय, जो भी हमारे घर में भीड़ भड़ाका लगता है ना, हम ही चाय बना दे, नाश्ता करवा दे सबको, ये सारा काम मेरे से ही होता है। गाइज, हम घर की मालकिन है, मालकिन, और हम सबका रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए हम सोचते हैं हमारे घर से कोई उदास होकर ना जाए। क्या सोच चाची? हाँ बेटा, उदास नहीं ना है, चलते है। अरे कश्मीर से कोई आया है, एक मिनट दिखा रहे, जल्दी अमरनाथ से को आए आदमी, देखिए हाय, मुंह एकदम खराब लग रहा है आपका। और एक और आया है, अंदर घुस जा, अंदर देखिए, आपकी साड़ी देखेंगे, आपकी सिमरन साली खुश। चले गए चाय वाय पिलाते, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने मंदिर के पास, भोज चल रहा है वहीं पे, सारे लोग जा रहे हैं और बस खाना खाते, बहुत तेज भूख लगा है। और क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलेंगे, क्या अच्छा वाला दिन नहीं है गाइस, कभी ना आएंगे दिन, बहुत खराब दिन है, बहुत खराब दिन, खराब दिन में भी पंडित जी बनाती है, इसलिए बना रही क्योंकि ये मेरा काम है, ठीक है, यस हमेशा ऐसे। अरे हाँ, बोलो 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 गाइस, हमारे छोटे छोटे बच्चे काफी ज्यादा फैन है। कौन कौन है, कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है, बोलो कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। अब हर जगह घूमने जाते हैं। ओ भाई साहब, लंबी लाइन लगी है, ये देखो। इनकी बेटी ये है, खाने का वेट कर रहे हैं भाई, मूड भी नहीं कर रहा है, लोग हम लोग खड़े हैं। ये कौन है? ओ आप हैं? अरे हाँ, इधर दी
उनको ध्यान है ना देने है। ये दादी हेलो इनका खाना कंप्लीट होने वाला है। बड़की माई यहाँ बोलो खाना कैसा लग रहा है? अच्छा है। पूरा खत्म करोगे ना? हाँ फिर आएंगे तुम्हारे पास दोबारा। चलो ठीक है जल्दी से खत्म करो। सब आओ इधर आओ। तो ये लोग हेल्प कर रहे हैं खाना चलाने में। ये भोला है, ये मेरे घर के सामने रहता है, मोहल्ला वाले है ये। हाँ बोलिए तो मोहल्ले वाला ना काम आएगा। लो हेलो बोलो सब। हाँ हाँ बस चैनल को सब्सक्राइब किए आप, ये सब्सक्राइबर है। लड्डू हाय हाय कर दो। खाना वाना खा लिया, अब हम लोग जा रहे घर और सारे लोग बैठे हुए हैं। पूरी फैमिली हमारी आई है, पूरी फैमिली मतलब बहुत दूर दूर से सारे रिलेशन हमारे सब आए हैं यहाँ पर। देखो सब लोग बैठे हैं खाना वाना खा रहे हैं। सो अभी हमें अभी खा लिए जा रहे घर और ये देख लो आप लोग। तो गाइस मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट मैंने सोचा चलो आप लोग के लिए मैं बना ही लेती हूँ, बिकॉज आप लोग थोड़ा सा इन्जॉय करो मेरी लाइफ में चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो बस चलते हैं घर, उसके बाद जो भी होता है मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में, आपको कंटिन्यू रखना ओके। हेलो गाइज, तो इस ब्लॉग के बारे में मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। इस ब्लॉग को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं डालूँ या ना डालूँ, बिकॉज मैंने कभी इस तरीके का ब्लॉग नहीं डाला है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज चल रही थी। कुछ लोगों को ऐसे पसंद नहीं आता है, बट कुछ लोगों ने मुझे समझाया कि देखो तुम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखो, तुम जिस तरह का ब्लॉग डालोगे तुम्हारे फैंस उसी तरीके से पसंद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में जो चल रहा है तुम वही दिखाओगे। दुख चल रहा है दुख दिखाओ, सुख चल रहा है सुख दिखाओ। तो ब्लॉग हर तरीके से होता है, ये नहीं कि तुम आप हमेशा खुश रहोगे तभी दिखाओगे। तो प्लीज़ गाइस जो भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एंड गाइस बहुत मुश्किल से व्लॉग बनते हैं इसलिए थोड़ा लेट हो। हाँ यूट्यूब पर आओगे देखो गाइस हमारे भतीजे लोग मेरा कितना बड़ा फैन है, तुम्हें खुशी मिल रहा है। क्या बोलना है बोलो? हाँ भाई यूट्यूब पर तुम आओगे, अपने घर में टीवी खोलना, पल्पी सोनी सर्च करना, तुम आओगे ठीक है। ये देखो गाइस मेरी मम्मी, भाभी भाभी बाप रे भाभी वीडियो में लाने के लिए उसको टोपी पहना रही है, देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये है गाइस देखिए हमारे घर की बड़ी भाभी, ये मेरी मम्मी गाइस। हाय बोलो मम्मी सारी यूट्यूब चैनल को, मेरी बहन मेरी भाभी। क्या लोगे? हाँ ये देखो गाइज हमारी घर के बगल में एकदम मस्त सा दुकान है जहाँ से हम लोग खाते पीते हैं, और ये लड़की के पापा बैठते हैं, भी लड़की बैठती है। लल्ला क्या लेना है आपको? लॉलीपॉप हो चुका है। और खुकू बोल रही है कि बुआ मुझे आपके बारे में कुछ बोलना है, तो बोलो खुकू अच्छा से बोलो। मुझे पल्वी बुआ का ब्लॉग जो है बहुत अच्छा लगता है, उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा कॉमेडी है। Yes, और गाइज हम तारीफ करने के लिए खुद से नहीं बोले बोले हैं नहीं। तो ये खुद से बोलिए कि पल्वी बुआ ब्लॉग स्टार्ट कीजिए ना, सब्सक्राइब पल्वी सोनी ब्लॉग। तो बोलिए पल्वी बुआ आप कैमरा ऑन कीजिए ना, मेरा भी यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, हमको आपको तारीफ करना बोल। चलो भाई तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता है। और तुम बोलो ए हीरो, देखो सब है सब ब्लॉग देखता है मेरा, बोलो बोलो सब सिर्फ ऑफ कैमरा बोल रहा है गाइस, सब ऑफ कैमरा बोल रहा है। सॉरी गाइस हम सिखा रहे हैं। किसको इसको नहीं, 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 नहीं सब ऑफ कैमरा तारीफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे थे कोई नहीं कर रहा है गाइस। पूजा सोच रही है हर बार हम फेमस हो जाए, हर मजाक बार बार हंसी नहीं दिला सकते। ये मेरा मजाक नहीं है, मेरा ओरिजिनल ठीक है गाइस दिखाते हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे रात का खाना चल रहा है, दाल भात दही बड़ा सब्जी पापड़ सलाद सब चीज। तो आज लास्ट खाना है, आज बड़का काम था और आज के दिन लास्ट खाना खाया जाता है। हटो और ये देखो हमारा क्या बोलते हैं मजदूर, दिस इज नया नया सब माधो के माधो नहीं खा गाइस पानी खा के मस्त हो।
यहाँ पे लास्ट खाना चल रहा है और यहाँ पे सब लोग बैठ के खा रहे हैं। खाने से ज्यादा ये लोग इतना चिल्लाते हैं ना, पानी पानी ये वो। यहाँ पे रात में दाल चावल दही बड़ा सब्जी ये सब हम लोग रात में खाना खा रहे हैं। आज बड़ा का काम है जैसे कि मैंने आप सबको बताया, आज के दिन रात का खाना चल रहा है सब लोग का। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर और बस ऐसे कुछ हो ना, मतलब भगवान सबको हमारी दादी खूब सारा आशीर्वाद दे हम लोगों को, हमारी फैमिली को। हाँ अब हम लोग ऐसे ज्वाइंट हुए, कुछ अच्छे से फेस्टिवल, अच्छे से शादी हो।